नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। लेकिन कम्युनिटी बाजार की शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन के वजह से लॉकडाउन लगने का डर है कि आगे लॉकडाउन की परिस्थिति बने या ना बने, लगे या ना लगे, और उससे आपकी दुकान एक बार कहीं फिर से बंद ना हो जाए और पैसों की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो आपको ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। ये एक ऐसी ऐप है जो आपको घर से बैठे बैठे आपकी दुकान चलाने का मौका दे रही है, वो भी बिना एक रुपया खर्च करे। करना छोटा सा काम है, फ़ोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, माई बिग ब्लिस ऐप को। उसके बाद उस पर आपको अपना एक स्टोर बनाना है, जिस जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कॉस्मेटिक, फल, सब्जियां, ग्रोसरी आइटम आदि, आप उसका स्टोर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इस तक इसका स्टोर बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बस आपको अपनी दुकान रजिस्टर करनी है, वो भी मुफ्त में हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के अपडेट की, और सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1801 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और सिल्वर $22 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है, आधे फीसदी की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज कल के मुकाबले हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो जानकार हैं वो सोने चांदी की कीमतों को लेकर पॉजिटिव ही हैं। आपको बता दें कि जो अमेरिकी बॉन्ड हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है, डॉलर के भी अंदर गिरावट देखने को मिली है, इक्विटी मार्केट ऊपर चढ़ा है, जिसकी वजह से सोने में आगे जो जानकार हैं वो पॉजिटिव हैं। वो बता रहे हैं कि सोने चांदी में आगे पॉजिटिव मोमेंटम बनता नज़र आ सकता है, सोने चांदी की कीमतों में तेज़ी बनती नज़र आ सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सोना चांदी अभी एक रेंज बाउंड में देखने को मिल सकते हैं छोटी अवधि के अंदर। तो आज गुरुवार के दिन सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, क्या कीमतें रह सकती हैं, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोने चांदी आज लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें गिरावट है और डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं लुढ़का है, ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोने चांदी की कीमतें क्या आज इंट्राडे में उठती नजर आ पाएंगी? देखिए, कल सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बिकवाली आते हुए हमने देखी थी, लेकिन वापस से बाजार देखिए 1800 के ऊपर है, यानी कि यूं कहें कि वो रेंज जो है अभी भी बनी हुई है, 1780 से लेकर 1820 के आसपास सोना घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जब 1791 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो लग रहा था कि नीचे बाजार जो है 1780 तक नीचे लुढ़क जाएगा, लेकिन वापिस वहीं से बाउंस बैक आया और आज भी हम देख रहे हैं कि 1801 के आसपास सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो सोने और चांदी में फिलहाल खरीदारी के लिए और निचले स्तर पर इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। जी, ये सर जी, बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड में देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो और तेजी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जनवरी को ओपेक की बैठक है जिसमें डिसीजन लेने वाले हैं कि जो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो डेथ केसेस हैं वो इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं, वेरिएंट का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस एज इट इज चल रहे हैं। दूसरी तरफ इन्वेंट्रीज भी गिरी हैं और 4 जनवरी को ओपेक की बैठक है जिसमें निर्णय लेगा कि जो 400,000 बैरल पर डे का जो प्लान था उस पर स्टिक टू रहना है या फिर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। रूपा जी, देख रहे हैं ऐसे में सोने कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनती नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $79 पर है, WTI $76 पर। आपको क्या लगता है, क्या आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 पर मुनाफा कमा सकता है? क्या अगर $80 होता है या फिर कीमतें यहां से और बढ़ती हैं तो क्या ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके कच्चे तेल में चला जा सकता है? देखिए, फिलहाल कच्चा तेल जिस तरीके से अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, इसके चलते लग रहा है कि एक बार $78 तक हो सकता है कि अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे और अभी भी बाजार पॉजिटिव है। और देखिए, जो ओमिक्रॉन की वजह से एक डिमांड फैक्टर इम्पैक्ट होने वाला था वो फिलहाल थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते क्रूड में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो 4 जनवरी को बैठक होने वाली है उसमें काफी अच्छा अपडेट जो है वो निकल कर आ सकते हैं, उसके चलते कच्चे तेल की जो है मंदी या तेजी उस पर निर्भर करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म में रैली बनती हुई दिखाई दे रही है वो 78 तक एक बार कच्चे तेल में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यूं कहें कि कच्चे तेल में अभी फिलहाल खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आगे चलकर क्या रहता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। जी,
ये सिर्फ अजी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। आपके अकॉर्डिंग आज बेस मेटल्स में क्या लेवल रह सकते हैं? देखिए बेस मेटल्स में भी खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए, बेस मेटल में भी पॉजिटिव है मार्केट। कल जो गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चाइना से डिमांड अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी आई, अपने हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। तो फिलहाल जो भी निचले स्तर मिलते हैं उन पर बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए, और स्पेशली मुझे लगता है कि निकल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और देखिए आज भी हम निकल को देख रहे हैं 1564 के आसपास, हमने लगातार बोला है कि 1560 तक अपसाइड, 1560 से 1600 तक का लेवल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और वही लेवल हमने देखा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें 1600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की मार्केट देख रहे हैं कि अचानक से और तेजी की ओर जाती हुई नजर आई है। खबरें निकल के सामने आई है कि यूरोप के अंदर जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, यूरोप के अंदर नेचुरल गैस की जो सप्लाई है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए जो नेचुरल गैस की तेजी है वो लिमिटेड है, मुझे बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। देखिए यहाँ पर जो रेंज है 280 से लेकर 320 के आसपास का रेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा कि मार्केट 300 के ऊपर गया लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ, अगेन वहां से डाउनसाइड देखने को मिला, तो वही सपोर्ट के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो है मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में 280 तक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आज जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए फिलहाल तो आज मुझे लग रहा है कि एक बार क्रूड ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है बाइंग के लिए, और दूसरा कॉपर और निकल, इनमें भी तेजी का रुझान बना रह सकता है, इन दो कमोडिटीज के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है जी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।